इस लेसन में मैं आपको मेजर्स ऑफ पोजीशन के बारे में बताऊंगी। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएशन, अब हमारे पास है मेजर ऑफ पोजीशन। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस लेसन के स्टैंडर्ड स्कोर्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स एंड क्वार्टाइल्स। इस लेसन में हम स्टैंडर्ड स्कोर्स, जिसको हम जी स्कोर भी कहते हैं, जेड स्कोर भी कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट लेसन में हम परसेंटाइल्स, डिसाइल, क्वार्टाइल्स की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मैं मेजर्स ऑफ पोजीशन आपको बताऊं कि ये होता क्या है। मेजर ऑफ पोजीशन इज अ मेथड बाय विच द पोजीशन दैट अ पर्टिकुलर डेटा वैल्यू हैज विद अ गिवन डेटा सेट कैन बी आइडेंटिफाइड। सपोज आपके पास कोई डेटा सेट है, सपोज आपके पास है 10, 20, 30, 40, 50, कुछ भी आप डेटा सेट ले सकते हैं, और उसमें आपका मीन है सपोज, यानी एवरेज है उस डेटा का 50, राइट। तो कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले लें, सपोज आपके पास डेटा में था 10 है, 20 है, ये तो मैंने आपको कहा मीन है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। हम एक पर्टिकुलर 10 को लेंगे और देखेंगे कि 10 की क्या वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू मीन, राइट। मीन से हमने इसको कंपेयर करना है। तो मेजर ऑफ पोजीशन में क्या करते हैं, ये वो तरीका है बाय विच द पोजीशन दैट अ पर्टिकुलर डेटा वैल्यू, जैसे खास तौर पे मैंने कह दिया ये 10 मैंने ले ली, हैज विद इन अ गिवन डेटा सेट कैन बी आइडेंटिफाइड। आप मे बी 20 ले लें, आप 30 ले लें। दे आर यूज टू लोकेट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डेटा वैल्यू इन द डेटा सेट। इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि मेजर्स ऑफ पोजीशन आर यूज टू लोकेट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डेटा वैल्यू इन द डेटा सेट। कंप्लीट आपके पास डेटा सेट है 10, 20, 30, 40, मैंने एक सीक्वेंस में आपको बता रही हूँ, उसमें से आप कोई सा भी एक नंबर ले लें और उसकी रिलेटिव पोजीशन देखें। किससे हमने उसकी फाइंड आउट करनी होती है, किससे रिलेशन बनाना होता है, मीन के साथ, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको उसके फॉर्मूलाज भी बताती हूँ, यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको हम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दे आर यूज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ वैल्यू रिलेटिव टू अदर वैल्यूज इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ और डेटा। द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ पोजिशन आर परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड स्टैंडर्ड स्कोर, जिसको हम जी स्कोर भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस लेसन में स्टैंडर्ड स्कोर, जिसको हम जी स्कोर भी कहते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड स्कोर और जी स्कोर होता क्या है। अ जी स्कोर इज ऑल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड स्कोर, राइट। ये तो आपको पता चल गया कि या तो हम जी स्कोर कहेंगे या इसको हम Z स्कोर भी कह सकते हैं और स्टैंडर्ड स्कोर भी कहते हैं। Z स्कोर आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन। देखिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया मेजर ऑफ पोजीशन क्या होती है, कोई भी आपके पास डेटा सेट है एक, उसमें आप उसका आप पहले मीन निकालेंगे, फिर कोई भी आपको कहेगा कि सपोज 10 है, 20 है, 20 आपने मालूम करना है कि मीन से कितना दूर है। अगर मैं कहूं कि परसेंटेज में बताएं, नंबर में बताएं, वो डिफरेंट थिंग हो जाएगी। जेड स्कोर में आपने बताना होता है स्टैंडर्ड डेविएशंस की सूरत में, कि वो जो आपने सपोज अगर आपके पास मीन 50 है और आपने उस डेटा सेट में से 20 को पिक किया है, तो हमने बताना है कि 20 और 50 में आपस में जो रिलेशन है वो कितना फासला है, कितने दूर है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। ये नहीं कहना कि 30 का डिफरेंस है या 30% का डिफरेंस है या कोई नंबर आप कह दें, आपने बताना है स्टैंडर्ड डेविएशंस का कितना डिफरेंस है, राइट। द जेड स्कोर टेल्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस अ डेटा वैल्यू इज अबव और बिलो द मीन। कि मीन सपोज मैंने आपको कहा कि मीन 50 है, हमने कैलकुलेशन करके बताना होगा कि डेटा मीन से अबव है या लो है। इफ द जी स्कोर, अगर हमारे पास उसका आंसर जीरो आएगा तो हम क्या कहेंगे, इट इज ऑन द मीन, कि हमारा जो भी वैल्यू हमने ली है वो मीन के इक्वल है। लेकिन अगर हमारी वैल्यू वन आ गई, यानी पॉजिटिव वन आ गई, तो हम कहेंगे इट इज वन स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन। अगर हमारा आंसर प्लस टू आ जाता है तो हम कहेंगे इट इज टू स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन। तो जेड स्कोर, जी स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर में हम क्या देखते हैं, मीन से हम देखते हैं कि कोई भी आपने जो नंबर लिया है
मीन से कितना डेविएट करता है, वो दूर है मीन से, अबव है मीन से, या ज्यादा है मीन से, या कम है मीन से इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये बेल कर्व है। बेल कर्व में क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा है वो इक्वली डिवाइड होता है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, और ये आपका मीन है म्यू। सपोज इस एग्जाम्पल में मैंने आपको कह दिया है कि 50 आपके पास मीन है, आपने सपोज 75 मार्क्स लिए हैं एग्जाम में, फिजिक्स का इम्तिहान आपने दिया, आपने उसमें 75 है आउट ऑफ 100, लेकिन क्लास की एवरेज 50 है, मे बी किसी के 40 है, किसी के 30 है, किसी के 90 है, किसी के 100 है, आपके 75 है, तो आपने बताना है कि वो 75 50 जो क्लास की मीन है उससे कितने दूर है। नंबरों में नहीं बताना कि ये 25 मार्क्स ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके मालूम बताना है कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो मैंने आपको क्या बताया था, 1 का मतलब है कि आपका डेटा 68% 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो 95% डेटा आपका यहाँ होता है। तो जितने ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस होगा मीन से, इसका मतलब है उतना अच्छा आपने परफॉर्म किया है। देखें, यहां मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मूला क्या है जेड स्कोर का। अ जेड स्कोर और स्टैंडर्ड स्कोर फॉर अ वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द मीन फ्रॉम द वैल्यू एंड डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। सी, अगर वैल्यू मैंने आपसे कहा कि आपने कितने लिए हैं, आपने लिए हैं 75 नंबर, और क्लास का मीन मैंने आपको क्या कहा कि क्लास का मीन है 50। अगर यहाँ पे हमने माइनस करके आपने इसको आंसर सिर्फ 25 बता दिया, तो ये आपने नंबर में बता दिया कि 25 नंबर ज्यादा है फिजिक्स में, राइट? ये मैंने नहीं कहा, कहा कि आपका मीन से ये जो 50 है इससे कितना दूर है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम क्या करेंगे, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज 10 है तो ये हो जाएगा 2.5, यानी आपके जो 75 नंबर आए, परसेंट नंबर आए हैं, वो मीन से 2.5 सिग्मा, सिग्मा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दूर हैं, और 2.5 का मीनिंग है कि आपके मार्क्स हुए हैं तकरीबन 98 97, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे z इज इक्वल टू x माइनस x बार ओवर s, अगर सैंपल है हमारे पास, सैंपल क्या होता है, सबसेट होता है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन में क्या होता है, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट आपने कंसीडर करना होता है, तो उसके लिए हम मीन के लिए लिखते हैं म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करते हैं सिग्मा से। x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये पॉपुलेशन का फॉर्मूला है, ये सैंपल का है, इसको x बार कहते हैं, ये रोमन लेटर है x, ये ग्रीक लेटर है म्यू। अगर क्वेश्चन में हमारे पास आएगा पॉपुलेशन मीन तो हम म्यू यूज करेंगे, अगर सैंपल है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि राज स्कोर 85 इन केमिस्ट्री, उसने 85 नंबर लिए केमिस्ट्री में वाइल द क्लास एवरेज वॉज 80। देखिए, क्लास का एवरेज तो 80 था, किसी ने 40 लिए, 50 लिए, 100 लिए, पूरी क्लास का एवरेज 80 हुआ, राज के 85 आए हैं विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। विलियम स्कोर 70 इन हिज क्लास और क्लास की एवरेज थी 60, लेकिन विलियम ने 70 लिए विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6, इसकी विलियम की 60। हु स्कोर बेटर विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्लास, कैसे आप इसको देख के कैसे फैसला करेंगे कि इसके 85 आ गए और क्लास की एवरेज 80 थी, इसके 70 आ गए क्लास की एवरेज 60 थी, किसने दोनों में से बेटर परफॉर्म किया? तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जेड स्कोर, जी स्कोर फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स माइनस म्यू, यानी पहले ये राज के 85 नंबर थे, ये एक्स रिप्रेजेंट करता है ये वैल्यू को, म्यू मीन है, क्लास का मीन कितना था 80 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दिया था, 85 माइनस 80 तो 5 ओवर 5 इज इक्वल टू 1। इट मींस कि अगर ये बेल शेप कर्व इस तरह था और मीन यहाँ है 80, 80 मीन था इस केस में हमारे पास, राइट? तो इसका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ आ गया, यहाँ आ गया 1 सिग्मा अबव मीन। देखें, पॉजिटिव में आंसर आया ना तो हमने इधर जाना है, राइट साइड पे जाना है, अबव मीन,
यानी राज में वन स्टैंडर्ड डेविएशन अबव मीन उसके नंबर है। इसके हमने कैलकुलेट किए, इसका था 70, इसने स्कोर लिया 60, इसकी क्लास का मीन था, डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन 6 था, इसका आया 1.67। तो यहां पे होगा ऑलमोस्ट, यहां 1.67 सिग्मा अबव मीन। विलियम ने जो मार्क्स लिए हैं वो 1.67 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव मीन लिए हैं उसने, तो इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हुई। राइट, एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जीमेट एवरेज स्कोर इज 600 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 250। राइट, फाइंड द स्टैंडर्ड स्कोर ऑफ अ पर्सन हु स्कोर्स 750। इसका क्या मीनिंग हुआ, देखें एवरेज स्कोर जो था वो तो हो गया 600 म्यू, ये 600 हो गया, लेकिन क्या हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 250 थी और कोई भी था रॉबर्ट विलियम या आपने 750 आपका स्कोर आ गया। 750 माइनस 600 ये हो गया 150 डिवाइडेड बाय 250.60। राइट, मीन कहाँ लाई किया इस केस में, मीन था हमारे पास 600 और आपका आंसर देखें पॉजिटिव में आया है ना 0.60, इट मींस 1 नहीं है, थोड़ा सा, कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मींस ही डिडंट ब्लो इट आउट ऑफ द वाटर, ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 0.60 द आपने लिखना है, द स्कोर 750 इज 0.60 अबव द मीन। तो हमने क्या करना होता है इसमें जी स्कोर में, स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर मालूम करना होता है कि मीन से कितना दूर है, 0.60 अबव द मीन। ओके, अब मैंने यहां देखें क्या लिखा है कि जी स्कोर्स में आल्सो भी पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी तक जो हमने किया वो पॉजिटिव था लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी इसका आंसर आ सकता है। अगर पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे कि अबव मीन है, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है और राइट साइड पे अबव मीन होती है, लेफ्ट साइड पे आपके पास बिलो मीन होती है। तो जी स्कोर का रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आएगा। अगर जी स्कोर का रिजल्ट नेगेटिव आया, इट मींस के जो भी नंबर है, जो भी वैल्यू है वो मीन से कम है। देखिए फॉर्मूला है एक्स माइनस म्यू, तो आपके पास माइनस में उसी वक्त आएगा जब ये मीन से छोटा होगा नंबर, तो ये देखें मीन से छोटा है तो आ गया माइनस 100 डिवाइड बाय 52, तो हम इसको कहेंगे स्कोर इज -2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन। इस तरफ जाए आप, इस तरफ मीन कितना था, 500 था, राइट 500 था और आपने स्कोर कितना लिया, 400 आपका स्कोर आ गया, तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप मीन से -2 इधर चले गए हैं। -1 अगर इधर होगा तो क्या था, 68% कम हो गया मीन से, अगर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो 95% कम है, और अगर 3 हो जाएगी -3 तो 99.7% मीन से कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे होता है, अगर पॉजिटिव 1 है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन तो इट मीन 68% ज्यादा अच्छा आपने परफॉर्म किया है मीन से, अगर 2 है तो 95% अच्छा आपने परफॉर्म किया है मीन से, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आ जाती है तो इट मींस 99.7% आपने अच्छा परफॉर्म किया है मीन से। तो इस लेसन में हमने मेजर ऑफ पोजीशन का फर्स्ट पार्ट, जिसको हम जी स्कोर कहते हैं और स्टैंडर्ड स्कोर कहते हैं, वो सीखा कि स्टैंडर्ड स्कोर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मीनिंग होगा कि आपका जो स्कोर है वो मीन से ज्यादा है, और अगर नेगेटिव में होगा तो इसका मीन का है कि आपका स्कोर मीन से कम है, और ये हम परसेंटेज या नंबर में नहीं इसको मेजर करते, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन में मेजर करते हैं कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशन आपका स्कोर मीन से अबव है या बिलो है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।